ग्रीटिंग्स टू ऑल माय ग्रेट 10 स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ और अकेडमी जहाँ तैयारी चल रही है सब्जेक्ट की और उसी रो में है इंग्लिश भी साथ में आज इस सेशन में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है पोइट्री सेक्शन फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री सेक्शन को एक वन शॉट रिवीजन में आज हम कवर करेंगे और आज जो टॉपिक कवर किए जा रहे हैं आपके सबसे पहले पोइट्री सेक्शन की नंबर वन पोइट पोम डस्ट ऑफ स्नो सेकेंड वन फायर एंड आइस छोटी है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री है विच इज एक्चुअली कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यस एक टर्म मैंने यहां यूज किया कंपोज बाय तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है डियर लर्नर्स कि जब भी आप अपने आंसर्स को वीव करते हैं पोइट्री जब भी बात करते हैं तो वहां आप कंपोज वर्ड का यूज करें ना कि रिटर्न बाय ओके सो दिस ब्यूटिफुल पोइट्री कंपोज बाय इस तरीके से अपने आंसर्स को स्टार्ट करेंगे तो आज जो सबसे पहले हम पोइट्री कवर कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से वो है डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ स्नो विच इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जब बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर कविताएं इन्होंने लिखी हुई है और आइए बात करते हैं हमारे पोएट की यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एक्चुअली एन अमेरिकन पोएट ही रिगार्डेड एज अ रियलिस्टिक पोएट एंड नेचर पोएट आपने बहुत सारी नेचर पर बेस्ड उसकी ब्यूटी पर बेस्ड पोइट्री जहां पर भी पढ़ी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आपने जरूर पाया होगा सो दैट्स वाई

ही रिसीव्ड वॉट पुल इज सर प्राइज फॉर पोइट्री बहुत फेमस राइटर छोटे तौर पर लेकिन गहरी बात करना ये इनकी खासियत थी आइए अब अपनी पोइट्री को भी बहुत जल्दी बिकॉज इट्स अ वंडरफुल रिविजन फॉर यू कि छोटे थोड़े टाइम में भी अगर आप अपने आप को इन टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल हो गए तो सबसे पहले हम जानते हैं अपनी पो पोम को डस्ट ऑफ स्नो ये हमारा टाइटल है मगर क्यों ये डस्ट ऑफ स्नो है इसमें सबसे पहले जो एक पावरफुल चीज यूज की गई है वो है सिंबलिज्म अब सिंबलिज्म क्या होता है सिंबलिज्म का मतलब होता है आप किसी डायरेक्ट चीज के साथ इनडायरेक्ट कनेक्शन को जब शो करते हैं तो उसे सिंबलिज्म कहा जाता है कैसे आप पॉइंट आउट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ कैसे जैसे अगर इस पोइट्री की बात की जाए तो यहां सबसे पहले एक सिंबलिज्म यूज किया गया है क्रो में ना व्हाई? बिकॉज हियर क्रो इज एक्चुअली सिंबलाइजिंग व्हाट? डेथ एंड फियर क्यों क्योंकि आपको भी पता है कि ब्लैक कलर है नेगेटिविटी को शो करता है तो कहीं ना कहीं यहां पर भी उसी एसेंस को उसी एस्पेक्ट को यहां पोएट ने यूज किया है सो प्लीज कीप दिस इन माइंड हियर इज आल्सो सिंबलाइजिंग व्हाट डेथ एंड फियर ऑफ लाइफ बहुत सारे डर होते हैं जो हम अक्सर अपने जीवन में महसूस भी करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म देखिए बहुत छोटे तौर तो पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेमलॉक ट्री अब यहां हेमलॉक ट्री क्यों यूज किया गया है हेमलॉक ट्री आप देख सकते हैं अक्सर एक खास बात है जो इस ट्री के साथ जुड़ी हुई है हेमलॉक ट्री के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं पॉइजनस होते हैं अब पॉइजन है हेमलॉक ट्री है जो कि पॉइजन नेगेटिविटी को शो कर रहा है और क्रो है वो भी नेगेटिविटी को शो कर रहा है तो क्या ये ओवरऑल पोम जो है वो नेगेटिविटी पर बेस्ड है आ, देखेंगे इसे तो याद रखिएगा हेमलॉक ट्री भी किस चीज का सिंबलिज्म है यहां नेगेटिविटी का एज इट इज क्लियरली मैंशन दैट सीड्स ऑफ हैमलॉक ट्रीज आर ऑल्सो पॉइजनस टू कीप दिस इन माइंड ये सिंबलिज्म यूज है साथ ही एक और सिंबल जो यहां यूज किया गया है डस्ट ऑफ स्नो मतलब डस्ट जो स्नो की डस्ट होती है आप देख सकते हैं जब ड्रिजल ऐसा होता है स्नो, स्नो फॉल होता है तो आपने देखा होगा स्नो फ्लेक्स के तरीके से यहाँ पर जब स्नो गिरती है तो उस डस्ट को भी यहाँ सिंबलाइज किया गया है किस तरीके से बिकॉज यू नो दैट विच आर द थिंग्स विच आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस तो उन चीज़ों को यहाँ डस्ट के फॉर्म में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो हमें हैप्पीनेस देते हैं उस मोमेंट को यहाँ शो किया गया है और लास्ट एक और जो सिम सिंबल यहाँ यूज किया गया है इस पोइट्री में बहुत आप देखेंगे जो हमारा पोएट है उसका जो मूड है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है कैसे बिकॉज हे आर ऑल्सो चेंज ऑफ मूड इज द सिंबल ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिविटी इंटू पॉजिटिविटी तो एट दी एंड हमें कोई मैसेज भी मिलने वाला है चलिए जल्दी से इसके बारे में जानते हैं डस्ट ऑफ स्नो अगर पोइट्री की बात की जाए तो कुछ भी नहीं यहां हार्डली आपके सामने होंगी एट लाइन्स और राइम स्कीम याद रखेगा देखिए क्रो मी स्नो ट्री तो ए बी ए बी ये इस पोइट्री की राइम स्कीम है तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ गई कि राइम स्कीम क्या है इस पोइट्री की ए बी ए बी ये राइम स्कीम है पोइट ने क्या मैंशन किया है पोएट ने मैंशन किया है दिस पोएट इज एक्चुअली हेयर इन दिस पोइट्री द पोएट इज अपसेट अब अपसेट है क्यों अपसेट है ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है हो सकता है उसे उस दिन में उस दिन की शुरुआत में कुछ ऐसे मोमेंट फेस उसने किए हो कि जहाँ उसके दिमाग में क्या आ गया नेगेटिविटी आ गया और यहां वो एक्चुअल कंडीशन क्या है द पोएट इज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री अब हैमलॉक ट्री भी नेगेटिव वहां जो पोएट है उसका मूड भी नेगेटिव सडनली लेकिन उस मोमेंट पे क्या होता है जब वो हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है इज जस्ट सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री देखिए क्रो बैठा है अब क्रो भी नेगेटिव पोएट का मूड भी नेगेटिव और यहाँ पर जो हैमलॉक ट्री है उसके सीड्स और हेमलॉक ट्री वो भी नेगेटिव तो सिंपली उस समय जब वहां वो क्रो बैठा हुआ है उस पेड़ पर वो क्या करता है ऑन द ट्री शेक्स द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री फॉल्स ऑन द पोएट और जैसे ही वो जो क्रो वहां बैठा है वो ब्रांचेस को शेक करता है तो जो डस्ट के पार्टिकल्स है स्नो डस्ट ऑफ स्नो इसीलिए तो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो वो नीचे बैठे हुए पोएट के ऊपर गिरते हैं और आपको भी पता है डस्ट ऑफ स्नो मतलब कूलनेस कामनेस पॉजिटिविटी अब जैसे ही ये डस्ट उसके ऊपर गिरती है व्हाट एग्जैक्टली द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी ये है हमारा ट्रू मैसेज हमारे सामने भी अगर नेगेटिविटी है लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ किसी भी चीज में आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके सामने हैप्पीनेस ही होगी ही स्टार्ट्स यहाँ ही कौन है हमारा पोएट है ही स्टार्ट्स फीलिंग सूद एंड रिफ्रेश एंड इन दिस वे सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी अ वंडरफुल मोमेंट इन एंड वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव रेस्ट ऑफ द डे देखिए यहां पर बहुत अच्छे से बोला हैिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव समे आई हेड रियूड देखिए रूड का मतलब क्या है जो दिन मैंने एक तरीके से बेकार कर दिया था ख़त्म कर दिया था लेकिन यहां जैसे ही वो डस्ट वो कूलनेस वो कामनेस मेरे ऊपर शार होती है यहाँ मेरा मूड यानी पोएट कहता है मेरा मूड जो है वो सडनली क्या होता है एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है नेगेटिविटी से कहाँ बदल जाता है पॉजिटिविटी की तरफ और यही वो पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो पोएट यहाँ देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए आप नेगेटिविटी की जगह अगर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में आते हैं बिकॉज अप्स एंड डाउन्स तो है आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो है लेकिन जब हैप्पी मोमेंट आपके सामने आते हैं तो आप उन हैप्पी मोमेंट्स को उन प्रेजेंट मोमेंट्स को जरूर जिया करिए दिस इज द पावरफुल मैसेज गिवन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट आई होप ये पोइट्री क्लियर है और जल्दी से यहां डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस यहां यूज हुई हैं सबसे पहले क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच है ये सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी पोइट्री के लिए राइम स्कीम जैसा मैंने आपको पहले ही बताया राइम स्कीम की जब बात करते हैं तो ए बी ए बी ये क्योंकि ये मैच कर रहा है क्रो स्नो मी और ट्री मैच कर रहा है ऐसी नेक्स्ट आप देखिए हार्ट और पार्ट यानी सी सी नेक्स्ट अल्फाबेट हमने लेटर हमने ले लिया हार्ट पार्ट और ये आ गया हमारा मूड और रूड तो ये क्या हो गया डी सो राइम स्कीम इज ए बी ए बी सी डी सी डी दिस इज इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आते हैं और कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस है जो यूज हुई है एलिटरेशन यूज हुआ है अब एलिटरेशन कहा यूज हुआ है सबसे पहले एलिट्रेशन क्या है एलिट्रेशन इज नथिंग रिपीटेशन ऑफ लेटर्स टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना लाइक टेन टाइनी टाइगर्स टाइड अटाइड ऑन टाइनी टेल अब इस सेंटेंस में क्या हुआ टी लेटर जो है वो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है यहाँ तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ देखिए हैज हार्ट एच जो लेटर है मेरा रिपीट हो रहा है तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया तो पोइट्री में एलिट्रेशन है ऐसे ही सेव्ड सम कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है एस लेटर रिपीट हो रहा है तो यह भी एलिटरेशन का एग्जाम्पल है एंजामेंट यूज हुआ है अब आप सोचेंगे इंजामेंट क्या है कहीं ने नहीं सुना हो सकता है बट इंजामेंट इज नथिंग जब आपका पहला सेंटेंस दूसरी लाइन में यानी लास्ट जो एंडिंग है वो नेक्स्ट लाइन में होती है तो उसे बोला जाता है एंजामेंट आइए देखते हैं कि कहां एंजामेंट यूज किया गया है पोइट्री में आप देख लीजिए एग्जैक्टली exactly. हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज देखिए हार्ट यहाँ पहली लाइन यहाँ पर लाइन फिनिश हो गई लेकिन ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है ये कम्प्लीट हो रहा है यहाँ नेक्स्ट लाइन में इसलिए ये इससे रिलेटेड है इन जायेंट यहाँ इसको बोला जाएगा आई होप क्लियर है नेक्स्ट और फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे एजोनेंस अब एजनेंस क्या होता है देखिए एजोनेंस और कॉन्सोनेंस ये भी एलिटरेशन के ही अंदर आते हैं कैसे सिंपल लेटर्स अगर रिपीट हो किए जाते हैं तो वो एलिटरेशन कहलाता है लेकिन जब वॉवल साउंड अगेन आई एम रिपीटिंग वोवल साउंड अगर रिपीट की जाती है तो उसे एजोनेंस कहा जाता है और अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो उसे क्या कहा जाता है तो कॉन्सोनेंस assonance the yes prominence of a vowel sound throughout a line is called assonance aap dekh sakte hain kaise shook, down on ye jo hai continuously yahan par oh, o को repeat किया जा रहा है sound को इसलिए ये क्या है एजेंस का example है तो ये बेसिक लिट्रेरी डिवाइसेज जो हैं फिगर्स ऑफ स्पीच स्पेशली इस पोइट्री में यूज की गई है याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स बिकॉज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपके सामने लिटरेरी डिवाइस या पोइट्रिक डिवाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होगा आई होप क्लियर है आगे बढ़ेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं पोइट्री कंप्लीट है समझ भी ली अब क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो वॉट एग्जैक्टली वॉट इज डस्ट ऑफ स्नो तो जो पार्टिकल्स हैं वो डस्ट ऑफ स्नो उसको बोला गया है कूलनेस कामनेस पॉजिटिविटी को शो कर रहा है वॉट डज द पोइट्स से हैज चेंज हिज मूड क्योंकि जो जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है और वहां नेगेटिविटी से वो उसका मूड कहाँ कन्वर्ट हो जाता है उसको पॉजिटिविटी में लेकर आ जाता है हाउ हेज द पोइट्स मूव चेंज बिकॉज इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हू बिकॉज अ क्रो शुक वन ऑफ द ब्रांचेज एंड दिस वॉज द रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द बर्ड्स दैट आर यूजअली नेम्ड इन पोम्स तो आपके सामने क्रो है डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मैंशन इन द पोम्स स्पेशली नेगेटिविटी को शो करने के लिए यहाँ पोइटने यहाँ क्रो को यूज किया गया है तो सिम्बलिज्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं और नेक्स्ट जो एक सिंपली बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट है नेचर पोएट है तो हाउ डज फ्रॉस्ट नेचर इन दिस पोम अब नेचर को यहां नेगेटिविटी के साथ दिखाया तो है लेकिन वहीं उस नेचर में नेगेटिविटी के साथ साथ क्या है पॉजिटिविटी एज वी नो दैट एवरी कॉइन टू फेजेस, सेम हियर नेचर इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग सम नेगेटिव पार्ट एंड ऑल्सो पॉजिटिव पार्ट कैसे क्योंकि आपको भी बताया अगर दुनिया में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है तो इन्हीं दोनों के एक सिम्बाइटिक रिलेशनशिप को यहाँ बताया है कि इसने रॉबर्ट फ्रॉज ने आई होप ये पोम क्लियर होगी डस्ट ऑफ स्नो एड लाइन्स पोम ए बी ए बी दिस इज द राइम स्कीम एलिट्रेशन एंजॉयमेंट और ये बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज हुए हैं उनको ध्यान में रखिएगा ये पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड पोइट्री के लिए सेम है हमारे पोएट जो है वो सेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है क्या है पोइट्री का नाम क्या है फायर एंड आइस फायर एंड आइस ऑब्वियसली सिंबलिज्म यहां पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमारे पोएट ने यूज किया है कैसे आइए देखते हैं सेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बहुत फेमस अमेरिकन पोएट है राइटर है नेचर पोएट है ये बहुत अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगी कि यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये है नेचर पोएट इसको याद रखिएगा नाफायर एंड आइस अब अर्थ दिख रही है फायर दिख रही है आइस दिख रही है अब क्या बताया है छोटी सी पोम बट अगेन वंडरफुल मीनिंग सबसे पहले आपको जो इस पोइट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है फायर और आइस यहाँ पर ये अगेन सिम्बलिज्म यूज हुआ है बट वॉट एग्जैक्टली द सिम्बलिज्म गिवन टू दीज टर्म्स ये हम जानेंगे देखिए ग्रीड है क्रुएलिटी है रिजिटिटी है हेट्रेड है दुनिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है अगर लोग हैं, दुनिया है तो डेफिनेटली यहाँ ग्रीड क्रुएलिटी और हेट्रेट तो सबके बीच में है बहुत बड़ा मैसेज ह्यूमैनिटी का हार्मनी का यहाँ बहुत बड़ा मैसेज इस पोइट्री में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने देने की कोशिश की है तो देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly इस पोइट्री में क्या तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है उससे पहले जानेंगे जैसे डस्ट ऑफ स्नो में कुछ सिम्बल्म यूज़ हुए थे क्रो था हेमलॉक ट्री था यहाँ पर भी फायर एंड आइस में कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सिम्बल यूज़ किए गए हैं सबसे पहले तो फायर ही है अब फायर कैसे देखिए फायर जो है मैंने बोला आपसे अभी जो फायर है वो ग्रीड क्रुएलिटी कॉन्फ्लिक्ट और कहते हैं ना आपस में जो झगड़े होते हैं लस्ट एंड एग्जैक्टली exactly जो हम आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्षा रखते हैं ये सारी चीजों को किसने रिफ्लेक्ट किया है फायर ने प्लीज डियर स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग ये सिंबलिज्म इस पोइट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट फायर स्टैंड फॉर वॉट एंड आइस स्टैंड फॉर वॉट तो याद रखिएगा अब आइस की बात करते हैं आइस कोल्डनेस जो आपस में दूसरे से एक दूसरे से सेपरेशन हम नहीं एक साथ रहना चाहते तो डेफिनेटली इसको हम इनडिफरेंस बोलेंगे और साथ ही एक बहुत ही हेट्रेड जिसको बिना किसी रीजन के हम एक दूसरे से क्या करते हैं जेलसी रखते हैं तो ये भी आइस को यहाँ आइस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है और यस सेम चीज़ है नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नेगेटिव एलिमेंट्स को नेगेटिव इमोशनल फ्लक्चुएशंस को यहां रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है अब आते हैं पोइट्री में सिंपल तरीके से क्या बताया है फायर एंड आइस इट्स नथिंग इट्स अ पोम ऑफ शॉर्ट लाइन्स है छोटी पोइट्री है सेम एज स्नो देन रिटन अबाउट डिस्ट्रक्शन क्योंकि आप भी समझ गए हैं कि यहां जो ये आइस है ये फायर है और ये अर्थ है हमारी तो ओवरऑल आप जब इस नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ को क्योंकि एक नहीं बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं सो कंबाइंड जब एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी होती तो ये बहुत ही इजी तरीका है किसी भी चीज को खत्म करने के लिए आई होप आप भी जानते कि आप कंटिन्यूस अगर नेगेटिव थॉट किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट को भी देते रहेंगे तो Obviously, वो एट एंड आपको नेगेटिविटी ही रिफ्लेक्ट करेगी वी आर गिविंग वी आर गेटिंग इट बैक सो सेम द थिंग रियली बीन बाय द पोएट पोएटर सिंपली अगर की कीटम क्या की थीम की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्शन इज द बेसिक थीम कि अर्थ का डिस्ट्रक्शन कैसे हो जाएगा फायर रिस्पॉन्सिबल है और आइस रिस्पॉन्सिबल है इफ रिमेंबर द सिंबलिज्म अबाउट द इनएविटेबल डिमाइस बहुत जल्दी कहते हैं ना दुनिया का अंत जो है वो बहुत ही पास है करीब है सो यर ऑल्सो सेम थिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय द पोएट दैट यस इन एविटेबल का मतलब क्या होता है जिसे हम टाल नहीं सकते आगे बढ़ा नहीं सकते अंत तो आने ही वाला है दैट हेट्रबसे विल ब्रिंग एंड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम फ्रॉस्ट इंडिकेट्स द एंड और डिमाइस एंड टू वे विच इट कैन है जैसे सुन लिया कि लालच है ग्रीड है नेक्स्ट आइस हेट्रेड है जेलसी है तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो और किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है ये अपने आप में इतने शक्तिशाली वेपन है कि यहाँ दुनिया तो है वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी सो लेट डिस्कस दी

ये एक दूसरे से राइम कर रहे हैं देन आइस जो है वो अलग है तो आइस को हमने बी दे दिया देन डिजायर एंड फायर दिस इज ऑल्सो ए देख देखिए आइस और ट्वाइस तो ये बी आ गया हेट सेपरेट हो गया देन अगेन आइस सो बी एंड ग्रेट जो है वो हेट से रिजेंबल है राइम कर रहा है तो यहां पर ग्रेट और हेट को हमने सी लेटर अलॉट कर दिया और सफाइस भी क्योंकि देखिए आइस आइस यहां क्या हो गया आपका सिंपली आइस ट्वाइस आइस और सफाइस ये सेम लेटर्स जो वर्ड्स हैं जो राइम कर रहे हैं तो यहां मैंने इसको अलॉट कर दिया बी सो पर्टिकुलर राइम स्कीम ऑफ दिस पोम इज ए बी ए ए देखिए बी सी बी सी बी तो लाइंस जो एक्सट्रैक्ट्स आपके सामने आएंगे उनके अकॉर्डिंग आप राइम स्कीम को आइडेंटिफाई जरूर कर लीजिएगा सो so, फ ओवरऑल समरी की बात करते हैं तो नथिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अगेन हियर फायर और आइस के द्वारा वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट सम से कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो दुनिया है वो फायर से यानी ग्रीड से फायर क्या है ग्रीड ग्रीड से खत्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से यानी जेलेसी से खत्म हो जाएगी याद रखिएगा वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से बट उसने कहा है कि जिसने डिजायर को क्योंकि कहते हैं सबसे ज्यादा आपकी जो डिजायर्स होती है वो अनएंडिंग है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होती है तो आप क्या करते है? और आपके पास ग्रीड होती है कि आई वॉन्ट मोर मोर एंड मोर कभी भी खत्म नहीं होती तो यस वो कहता है कि पोएट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है दैट माई ओपिनियन इज कि जो फायर है यानी ग्रीड है उससे दुनिया तो पहले ही खत्म हो जाएगी क्योंकि तो लालच ही खत्म नहीं है कंजम्पशन कंटिन्यूस होता जा रहा है रिसोर्सिस पता नहीं है तो इट्स बेटर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वी आर कंज्यूमिंग द फ्यूचर पार्ट हम जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है हम उनके रिसोर्सेस को कंज्यूम कर रहे हैं तो आगे क्या बचेगा दिस इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू बी प्रिडिक्टेड बाय एनी वन एल्स और लास्ट वो बोलता है बट इफ रियली इट हैड टू पेरिश देखिए पेरिश का मतलब क्या होता है अगर खत्म होना डाई करना या डेथ होना अगर ये दुनिया दो बार खत्म हो सकती अब वो कह रहा है कि एक बार अगर फर्स्ट टाइम इस दुनिया का अंत होना है तो फायर से हो जाएगा बट अगर एक और बार खत्म हो सकती है तो यस आइस इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल और यहां आइस क्या है इफ रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स आइस का मतलब है जेलसी तो याद रखिएगा जेलसी भी एक बहुत ही खतरनाक वेपन है जिससे इस दुनिया का अंत बहुत ही जल्दी हो सकता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस बिकॉज इनफ एक दूसरे से हेट करना जेलसी रखना दिस इज रियली वेरी कॉमन एंड देन इट्स ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस देखिए सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट है अपने आप में किसी के भी प्रति आप जेलसी रखिए किसी के प्रति भी आप नेगेटिविटी रखिए एंड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज देयर तो इनफ है उसका अंत तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा सो दिस इज द बेसिक मोटिव और रिफ्लेक्शन गिवन बाय द पोएट हेयर हेटरेड और डिजायर ये हमारे इमोशंस हैं क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्शन ह्यूमन लोग अपने आप को खुद ही खत्म कर रहे हैं वट आई यूज टू से दैट यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ यू आर द बेस्ट एनिमी ऑफ योर सेल्फ आप अपने सबसे अच्छे दोस्त भी खुद ही हैं और सबसे अच्छे अगर कहते हैं ना शत्रु वो भी आप खुद ही हैं क्यों क्योंकि अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना सो यस नो वन कैन स्टॉप यू नो वन कैन स्टॉप टू लर्न न्यू थिंग्स और यहां यही एक हिडन मैसेज है जो पोए ने देने की कोशिश की है सो इमोशंस रूल्सोंट कंट्रोल दे श्योरली डिस्ट्रॉय एवरी थिंग अराउंड आप मत कंट्रोल करिए कंपोज रहिए काम रहिए आपकी लाइफ बहुत आगे जाएगी सो so, ये एक छोटा सा मैसेज था जो रॉबर्ट प्रॉस ने इस पोइट्री में दिया है आई होप क्लियर है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जो वैल्यू पॉइंट थोड़ा सा नटशल एक्चुअल क्या बताया गया है द मॉरल ऑफ द पोम फायर एंड आइस इज दैट वी ह्यूमश टू लिव ऑन अर्थ इफ वी कीप आर हेट एंड ग्रीड अ बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर हमारे अंदर ग्रीड मतलब लालच और हमारे अंदर अगर ईशा करना जलसी करना दूसरे से नफरत करना अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर है तो बहुत जल्दी खत्म होगी ये दुनिया दीज टू इलनेस क्योंकि है तो ये डिजीजेस ही सो येस हैव बीन अमंग आर माइंड सिंस एजिस आज की बात नहीं है बहुत टाइम से जब से जब हम जानना पहचानना शुरू कर देते हैं और ये क्वालिटीज ये इमोशन ये फ्लक्चुएशन जब हमारे अंदर एंटर करते हैं पर्सनालिटी में तब आप समझ लीजिए दैट यू आर ग्रोइंग एंड इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ ऑन अर्थ मस्ट गिव अप दीज ईवल थिंग्स देखिये ये है इस पोम का कंप्लीट मैसेज कि अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं इस अर्थ पर तो ये हेट्रिट ग्रीड जेलसी ये सारी चीजें आपको छोड़ना होंगी एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है जो रॉबर्ट फ्रॉस ने बहुत कम लाइनों में दिया है नेक्स्ट रामम स्कीम आई ऑलरेडी टोल्ड यू अगेन रिपेयरिंग ए बी ए एन सी डी सी डी सी ये राइम स्कीम है फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं सेम एलिट्रेशन देखिए लेटर्स का रिपीटेशन है एस यहाँ रिपीट है एस ई डब्ल्यू यहाँ रिपीटेड है वर्ल्ड विल देन एफ रिपीटेड है फेवर फायर टंग ट्विस्टर्स को अगर याद रखेंगे तो एलिट्रेशन ईजी होगा अगेन रिपीटिंग टेन टाइनी टाइगर्स टाइड टाइर्ड ऑन दियर टाइनी टेल ये क्या है टंग ट्विस्टर ही तो है तो यहाँ लेटर्स का रिपीटेशन होना यानी कि एलिट्रेशन को यूज किया जाना रिपीटेशन की बात करते हैं तो रिपीटेशन इज नथिंग जब पूरा पूरा वर्ड या सेंटेंस रिपीट होता है तो उसे रिपीटेशन बोलते हैं भाई बार बार आ रहा है रिपीट तो है तो आई थिंक आई थिंक आई नो देखिए आई जो है यहाँ पर बार बार रिपीटेड है तो आई यहाँ पर रिपीटेशन है अब पर्सोनिफिकेशन कैसे है पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब हम एज ए पर्सन उसको एक्ट करता हुआ पाते हैं तो परसोनिफिकेशन होता है बिकॉज फायर एंड आइस याद रखिएगा अगेन आई एम रिपीटिंग इन दिस पोइट्री फायर और आइस जो है वो दोनों दोनों ही परसोनिफाइड है क्यों क्योंकि फायर डिस्ट्रक्ट कर देगी आइस डिस्ट्रक्ट कर देगा खत्म कर देगा तो यहाँ एक तरीके से सिंबलिज्म के साथ साथ परसोनिफिकेशन को भी यूज किया गया है सिंबलिज्म ऑलरेडी टोल्ड यू फायर को याद रखिएगा, ग्रीड है आइस को याद रखिएगा, हेट्रेड है जेलसी है क्वेश्चन देखते हैं फॉर फ्रॉस्ट वट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर ये सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात की जाती है तो सिंबलिज्म स्टैंडिंग्स ये इनके क्या मीनिंग है यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है And what is the rhyme scheme? ये हम डिस्कस kar hi चुके हैं And how does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? Contrasting ideas कैसे हैं क्योंकि आप एक तरीके से ये बताना चाहते हैं कि डिस्ट्रक्शन है और साथ ही साथ एक मैसेज भी दे रहे हैं दैट वी नीड टू क्रिएट harmony. तो एक कॉन्ट्रास्ट को यूज किया गया है लास्ट देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो क्वेश्चन क्या बन सकता है हाउ डज फ्रॉस प्रजेंट द बेसिक आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन अब डिस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ क्या फायर और आइस दोनों के जो प्रॉपर सिम्बल यूज हुए हैं वो आपको यहाँ ज़रूर मेंशन करना है एंड स्पेशली यू नीड टू मेंशन ऑल द बेसिक आइडियाज विच आर रियली इनकॉर्पोरेटेड बाय द पोएट हियर तो आई होप दोनों जो ये पोम्स थी ये क्लियर होंगी तो डस्ट ऑफ स्नो आज हमने कवर की जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं नेक्स्ट जो पोइट्री हमने कवर की दैट इज एक्चुअली फायर एंड आइस तो कैसे हमें अपने लाइफ की नेगेटिविटी को हटाना है और अगेन कहाँ जाना है वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक सो बी ऑप्टिमिस्टिक बी पॉजिटिव And start learning today to perform well. So, thank you for today.